हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं साबुत मसूर की दाल। जो तो साबुत वाली होती है ना, रेड रेड वाली, वो वाली इतनी अच्छी ढाबा स्टाइल, वही टेस्ट, वही फ्लेवर और वही एरोमा, वही कुछ लगता है ना जब ढाबे के ऊपर आप जाते हो, जब वो दाल जो ऑर्डर करते हो, बस वही दिमाग में आ जाना चाहिए कि बस वही दाल बनने वाली है। और साथ में चाहिए हमें जीरा राइस, तो बस क्या कहने। और उसमें डलेगा थोड़ा सा नींबू, इतना बढ़िया टेस्ट आता है गाइस। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी दाल। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए बनाते हैं। इस तरह से दाल लेनी है हमें। मैंने ली है एक कटोरी और इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको एक घंटे के लिए गला दिया। तो आप इस तरह से साबुत रेड वाली मसूर होती है ना, वो साबुत ली है मैंने। और इसको मैं अब गला देती हूँ इस बाउल के अंदर और इसको पूरा कवर कर दूंगी पानी से। पानी डाल देते इसके अंदर और एक घंटे में काफ़ी अच्छी तरह से सोख हो जाएगी ये। और एक घंटा काफ़ी होता है ताकि हमारी जो दाल है अच्छे से गल जाए। तो एक घंटे के लिए मैंने गला के रख दिया इसको। और इसको हम रख देते हैं ढक करके। तो एक घंटे बाद देखते, देखिए इस तरीके हो जाएगी ना फूल करके। और इसको दो बार वॉश कर लिया है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए 3 प्याज, गार्लिक और 1 मिर्ची और अदरक का टुकड़ा, 3 बड़े बड़े टमाटर चाहिए हमें। और जो हमने ये रोल लिया है इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। और आधा जो प्याज है हम बारीक बारीक काटेंगे, उसको हम ऐसे ही डालेंगे छौके में। और इन सारी चीज़ों को हम जार में डाल करके अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। इनको पीस लेते हैं। तब तक हम जो हमारी दाल है उसको कुकर के अंदर उबलने के लिए रख देते हैं। जो हमने दाल गलाई थी वो कुकर में डाल दूंगी मैं। और जिस कटोरी से मैंने लिया है उस कटोरी का मेज़र करते हुए, मतलब एक कटोरी दाल ली तो 4 कटोरी हमें इसमें पानी डालना है। तो मैंने इस बाउल में नाप लिया है 4 कटोरी पानी। 4 कटोरी पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, बस और कुछ भी नहीं डालना गाइस अभी। और इसको हम बॉईल होने के लिए इसका ढक्कन लगा करके 2 सीटी हम इसमें ले लेंगे। वैसे ही पहले से हमारी सोख की हुई थी तो 2 सीटी में आराम से हो जाती है। और अब आप क्या करेंगे, और हमारी दाल में सीटी आ चुकी है, इसको रख देंगे हम साइड में और छौके की तैयारी करेंगे। अब रखेंगे कढ़ाई गैस के ऊपर और हमारी गैस को ऑन करेंगे। हमारी कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा ऑयल, इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा तड़का होता है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगता है, थोड़ा सा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा और डाल दिया मैंने। और ये है खड़ी इलायची, ये हम कूट करके डालेंगे बाद में। तो पहले डाल दिए मैंने हींग और डाला है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड और डाले हैं 4 तेज़पान के पत्ते। और जो हमने बड़ी इलायची ली थी ना वो तो अच्छे से कोट करके इसमें डाल देंगे। और ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अब क्या करेंगे, हमने जो 1/2 ऑनियन बचा के रखा था उसको बारीक बारीक काट करके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना है और बस इसको हमें अच्छा ब्राउन करना है। गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देंगे। जो हम बड़ी इलायची डालते हैं उसका जो दाल है इतनी अच्छी खुशबू आती है जो तेज पत्ती की, बस बहुत ज़्यादा हमें गरम मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और अब डाल देंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। उससे गाइस इतनी अच्छा कलर आएगा, जो तड़के वाली दाल होती है ना ढाबे वाली, उसका कलर होता है एकदम अलग सा, बस वो आएगा हमारे कश्मीरी लाल मिर्च से। बस आधा चम्मच काफ़ी है, बस इसको हम भून लेते हैं। और नमक और हल्दी हमने पहले ही बॉईल जो हमने दाल की थी उसमें डाल दिया था, वो हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। अब जो हमने मसाला जो पीसा था सारा गार्लिक ओनियन और जो मिर्ची वगैरह का, वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मसाले को भूनेंगे। बराबर चलाते हुए इसको भूनना है। और तब तक भूनना है तब तक हमारा जो जो मसाले से ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और अच्छे से पक जाता है ना उसका तो एकदम इतना अच्छा टेस्ट आता है गाइस। उसके बाद जब हम जो टमाटर डालते हैं ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहते, लेकिन एक बार जब पकाना जो मसाला पकता है ना शुरू में, वही है मेन। और अब जो हमने डाला है, देखिए गाइस इस नोट कीजिएगा, ये जो मैंने मसाला डाला ये डाला है मैंने पाव भाजी मसाला। अब आप कहोगे ये पाव भाजी मसाला, आप इस तरह से आप बना करके देखिए पाव भाजी मसाले को डाल करके, दाल का इतना अच्छा टेस्ट आता है गाइस, इतना बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। पहले मैं किचन किंग वगैरह स्टार डालती, पर उसके बाद मैंने एक बार डाला था ये पाव भाजी मसाला, बच्चे के माँ बहुत अच्छा अलग सा टेस्ट आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है बिल्कुल ढाबे वाली, तो तब से मैं ये डालने लगी। तो आप भी इस तरह से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपकी ये दाल इस तरह से जो आपने मसाला डाला है वो कैसी लगी। बिल्कुल डिफरेंट लगती है और बहुत ही टेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो आप जब भी इस तरह से दाल बनाएं, एक चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दें तो इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, बहुत ही खुशबू भी अलग सी आती है, बहुत अच्छी आती है। और इस मसाले को अच्छे से हम इसको भून लेंगे। देखिएगा हमारा जो मसाला है, मसाले से जो ऑयल है ऊपर ऊपर देखिए ये अलग हो रहा है, मतलब अच्छा सा जो हमारा मसाला है अच्छे से भून गया है, मसाला अच्छे से पक जाता है ना तो दाल बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, खुशबू तो अलग आती ही है। और सारे मसाले हमारे जो इस तड़के में है अच्छे से भून चुके हैं। और अब हम डाल देंगे जो हमारे टमाटर हैं, टमाटर की प्यूरी, तीन टमाटर की प्यूरी हमने मिक्सी जार में पीस ली और पीस करके उसमें हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। ये हमारा हो चुका है और हमारे टमाटर हैं वो भी पीस चुके हैं, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। और ये मैं टमाटर इसके अंदर डाल देती हूँ, ये तीन टमाटर की प्यूरी है। और इसको अच्छे से हम चला लेंगे और अच्छे से इसको भूनना है। एक बार जो हमारा जो टमाटर क्या प्याज वगैरह का जो मसाला अच्छे से भुन जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा हम उसके बाद टमाटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें पकाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ये भुन जाए, पहले ही अलग से भुन चुका है तो बाद में बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। तो फटाफट से डालने के बाद दो तीन मिनट के बाद ही ये तेल जल्दी से छोड़ने लग जाता है। और आपका मसाला अगर पहले से कच्चा रह गया फिर वो दिक्कत करने लग जाता है। अब डालेंगे हम 4-5 चम्मच घर की ही मलाई, अच्छे से फैट करके बाउल में, और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसका बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है दाल का। और अच्छे से मसाले को हम भून लेंगे और जो हमारी दाल हमने बॉईल की थी उसको अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। गाइस अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत प्यारी, बिल्कुल ढाबे वाली स्टाइल जो खुशबू आती है ना वहाँ से, दाल हो तो ढाबे जैसी, मज़ा ही आ जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच गरम मसाला।
बहुत ज़्यादा गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, आधा चम्मच काफ़ी है। और इसी से एकदम अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी ये दाल बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और अब हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, धनिया के बगैर तो दाल अधूरी है, खुशबू आती है हरा धनिया की एकदम बढ़िया सी। और अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग ये हमारे जीरा राइस के साथ में। आप चाहें तो प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया दाल बनी है। और आप भी इस तरह से बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस तरह से बनाई तो दाल कैसी लगी आपको। और मेरी दाल की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली रेसिपी की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं तो एंजॉय कर रही हूँ जीरा राइस के साथ, और आप भी बनाइए और इस दाल को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।